चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित वन लाइनर में क्वेश्चन और उनके आंसर। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो यह सोवियत संघ में। अगला, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में। अगला है, लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है जिसमें शेयर धारकों की का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है? अगला है, ओईसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला है, बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटो ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने की योजना बना रही है? तो ग्रामीण ग्राहकों के लिए। अगला, बैंक ने हाल ही में नो फील खाते खोलना शुरू किया है। एक खाते ग्राहकों के लिए किस वर्ग की सहायतार्थ है? समाज के कमजोर वर्ग। अगला, अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन है? सैमुअलसन, सैमुअलसन। अगला है, भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 28%। अगला है, भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया? सिंचाई को। अगला है, हमारा संयुक्त राष्ट्र की डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा करने का लक्ष्य रखा गया था? 2015 तक। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? 5 से 5.5%। अगला है, मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से। अगला है, भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया? 1 हेक्टर तक। अगला है, बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदार के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ रुपए। अगला है, भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? जेम्स विल्सन। अगला, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। अगला है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। अगला है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? फीसी महाल नोबिस। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? इनकम बैंक को। अगला है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। अगला है, भारत में मुद्रा स्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। अगला है, ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। अगला है, सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 को। अगला है, राज्य समिति ने किस पद पर पद कर लगाने की संस्तुति की? कृषि जोतों पर। अगला, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक में। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? सी महाल नोविस ने, पी सी महाल नोविस ने। अगला है, मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से? हथकरघे के विकास से। अगला है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलेया को। अगला, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात निर्यात नहीं होते? अगला है, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी के माध्यम से। अगला है, विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया? कोची में। अगला है, धूम मचा दे रंग जमा दे यह किस उत्पाद की विज्ञापन पंक्ति है? पान पराग की। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? एम प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने।
अगला है, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन पालन से संबंधित है? मत्स्य पालन से। अगला, अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमानन सेवा कौन सी है? एयर सहारा। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में। अगला है, श्वेत पत्र कौन विकसित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है, भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। अगला है, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर आरोपित किया जाता है? उत्तर है, उत्पादन और अंतरिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। अगला, निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। अगला, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? सरकार की इच्छानुसार बदलती रहती थी। अगला, कपार्ट का संबंध किससे? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में सहायता से। अगला, एक कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चिलेयागो। अगला, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो यह राज्य समिति ने। अगला, आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है? राष्ट्रीय आयोग। अगला, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। अगला, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। अगला, नई घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला, बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाली प्रमुख अर्थशास्त्री हैं? तो हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो एवं जे के गालब्रेथ। अगला, भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? 1951 में। अगला, हमारा भारत में आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी है? जेम्स विल्सन। अगला, भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है? कर्नाटक राज्य को। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। अगला, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में। अगला, कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? क्रिसिल। अगला, अमेरिकी सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबद्ध है? रियल्टी क्षेत्र से। अगला, नवगठित NHB रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ किन 5 शहरों में प्रचलन किया गया? दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, कोलकाता, चेन्नई में। अगला, विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा दौर की वार्ता प्रारंभ की? 2001 में। अगला, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने अपना सदस्यता त्यागने की धमकी दी थी? वेनेजुएला ने। अगला, वेसल जहाँ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय किस देश में? स्विट्जरलैंड में। अगला, आर्थिक विकास व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन सा थिंक टैंक जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अगला, वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर किस दर को भारतीय रिजर्व बैंक को कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? तो 5.5% तक की। अगला, मैड्रिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? चिन्हों के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण से। अगला, आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। अगला, भारतीय सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसका है? निगम कर का। अगला, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चिलेया को। अगला, सेल वेल ONGC इसार ऑयल में कौन एक अन्य जैसा नहीं है? तो इसार ऑयल। अगला, असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? AO हर्समैन ने।
अगला है हमारा आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है, राष्ट्रीय है। अगला है भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य, अर्थ निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। अगला है ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें सीख पलायन कर जाने की हो क्या कहलाती है, गर्म मुद्रा, हॉट करेंसी। अगला है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, केरल में। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में औसत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9% से घटाकर कितना कर दिया गया, 8.1%। अगला है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन उत्पादन में है, खाद्यान्न में, दुग्ध में एवं गन्ना चीनी के उत्पादन में। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे, चीन। अगला जान की रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। अगला है निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। अगला है किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व कर किसके पास होता है, इक्विटी शेयर धारकों के पास। अगला है विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, अमेरिका। अगला है वेट बोर्ड सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की। अगला है गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला है किस वित्तीय संस्थान संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है, नाबार्ड का। अगला है सेवारमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला है कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, राजा चिलैया किए गए थे। अगला है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगला है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, इंग्लैंड में। अगला है करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रावधान प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अगला है GNP और GDP में क्या अंतर है, विदेश से शुद्ध साधन आय। अगला है हमारा कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है, अभिदत्त पूंजी पर। अगला है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से। अगला है निजी क्षेत्र के काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक में। अगला है हीरों का व्यापार करने वाले अग्रणी कंपनी DVS किस देश की है, दक्षिण अफ्रीका की। अगला हमारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2 अक्टूबर 1993 में। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तकों बैंकों के विलय करने की संस्तुति किसने की थी, प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने। चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे इकोनॉमिक्स से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर।